करनाल में द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जिला करनाल के प्रधान कश्मीर सिंह कानूनगो ने किया। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2011 से पहले पटवारी की योग्यता मैट्रिक होती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने पटवारी के पद को एक अहम जिम्मेदारी का पद माना गया था, जिसके चलते पटवारी के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर स्नातक तक कर दी गई थी। एक वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स व 6 माह की फील्ड ट्रेनिंग के बाद ही पटवारी के पद पर नियुक्ति होती है और इसके अतिरिक्त उर्दू भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। लेकिन 1 दिसंबर 2016 वित्त विभाग हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत पटवारी का वेतनमान 5200 से 20200 प्लस 2400 जीपी है, जबकि अन्य विभाग के सभी कर्मचारी जिनकी शैक्षणिक योग्यता पटवारी के मुकाबले कम है और उनका वेतनमान 9300 से 34800 प्लस 4200 प्रेड पे दिया जा रहा है, जो कि पटवारियों के साथ अन्याय व भेदभाव की नीति को प्रदर्शित करता है। दूसरे विभागों के मुकाबले पटवारी अधिक चुनौतीपूर्ण, जोखिमपूर्ण एवं तकनीकी कार्य करता है, जैसे ही पूरे गांव की भूमि का नक्शा कपड़े पर तैयार करना, राजस्व संकलन, नदी, तालाब, पर्वत, टीला व खेतों की पैमाइश करना, सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को धरातल पर सफल करने में पटवारी अहम रोल अदा करता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरा विरासत वगैरह वगैरह की तीव्र गति से क्रियान्वयन करने में राजस्व पटवारी की मुख्य भूमिका है। इन सब के अतिरिक्त पटवारी आपातकालीन स्थिति में सरकार प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को अपनी पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करने के लिए तत्पर रहता है। प्रतिनिधि मंडल में कानूनगो पदम, कानूनगो श्रवण, पटवारी जसवीर, अमित कालिया, अशोक रमेश, नीरज हुड्डा सहित अन्य सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।